भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। दुनिया भर में कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। करीब 2 लाख से अधिक लोग इस वायरस की चपेट में आ गए हैं, तो वहीं 8,000 से भी अधिक कोरोना वायरस से लोगों की मौत हो चुकी है। अगर महाराष्ट्र की बात हम करें तो कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 47 हो गई है। वहीं एक नया मामला उल्लासनगर से सामने आया है, जहां 49 वर्षीय एक महिला दुबई से लौटने के बाद कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। कोरोना वायरस के बचाव में महाराष्ट्र सरकार अहम कदम उठा रही है। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर तो पहले से ही बंद हो चुके हैं, मगर अब पान शॉप भी बंद करा दिया गया है। एहतियात के तौर पर ये कदम उठाया गया है। हम आपको मुंब्रा शहर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए शहर में किस तरह से पान और सिगरेट की दुकानें सभी बंद करा दिए गए हैं, क्योंकि अक्सर इन पान शॉप पर लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा जाता है। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक ऑड इवन की तर्ज पर ही सरकार हो सके तो फैसला लेगी कि एक एक दिन किराना स्टोर या अन्य कोई दुकान आदेशा अनुसार खुल सकती है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है। और दुकान खुलने और बंद होने की समय सीमा भी तय होगी। वहीं कोरोना वायरस की वजह से सैनिटाइजर, मास्क की मांग भी बढ़ गई है। ज़्यादा मेडिकल स्टोर में ना ही सैनिटाइजर है और ना ही मास्क उपलब्ध है। ऐसे में कालाबाजारी की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं और ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए मेडिकल स्टोर में ज़्यादा कीमत में भी मास्क और सैनिटाइजर बेचे गए हैं। मगर सरकार के कड़े रुख के बाद थोड़ी बहुत रोक ज़रूर लगी है, मगर मेडिकल स्टोर पर ओरिजिनल सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है। मेडिकल स्टोर्स वालों का कहना है कि अचानक मांग बढ़ जाने की वजह से ये परेशानी सामने आई है। नहीं नहीं, बहुत दिन तक तो हमारे पास भी सैनिटाइजर और मास्क नहीं था, लेकिन अभी कैसा है कि अभी हमारे कुछ सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स है, उनके पास अभी माल स्टॉक आया हुआ है, तो वो हिसाब से हम लोग ने अभी मतलब पूरा अवेलेबल किया है स्टॉक। नहीं, ब्रांडेड बोलते मतलब ये अपना ये क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, मतलब जैसे कि मतलब ये हमको विथ बिल में आया हुआ है अपना विथ GST। हाँ, बिल दे रहे लोगों को, इसका बिल बना के दे रहे हैं, मास्क का बिल बना के दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग को बिल में हम लोग ने लिए, तो बिल में हम लोग बिल देने में कोई मतलब हम लोग को वो नहीं है, ऐतराज़ नहीं है। उपलब्ध नहीं है ब्रांडेड कंपनियों का माल, आ नहीं रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर के पास माल ही नहीं है, वो शॉर्ट सप्लाई है, पब्लिक डिमांड बहुत है उसका, कभी पूरे मुमरा में भी नहीं है, पूरा हाहाकार हो गया सब, किधर स्टॉक है नहीं। कंपनियों में बोले आएगा आएगा, सब सेल्समैन आते ऐसे बोलते हैं, हाँ माल आएगा ऐसा बोल के चले जाते, माल आता नहीं। लेकिन बड़ा ब्रांडेड 995 भी नहीं है, लोकल जो साधु सादे में आता था कॉटन का ग्रीन वाला, वो भी नहीं है, डॉक्टर लोग यूज़ करते वो, आगे सैनिटाइजर सेवलॉन का भी नहीं है, डेटॉल का भी नहीं है, लाइफबो का भी नहीं है, ब्रांडेड कोई भी नहीं है। सब लोग बोलते हैं, बोले आएगा आएगा माल, अभी पब्लिक परेशान है बहुत। हाँ, वो कोई मार्केट से आते हैं, फेरी वाले ला के देते हैं मार्केट से, वो भी कोई कोई लोग रखते होंगे, हम तो नहीं रखते, क्या मालूम, हम तो नहीं रखते, कोई बेचते होंगे तो अपने को नहीं मालूम, हमारे पास तो नहीं है। हमारे पास ब्रांडेड बीच में आया था माल, डेटॉल का आया था 2-3 दिन पहले, थोड़ा स्टॉक आया था, एक दिन में खलास हो गया, अभी कोई स्टॉक आ नहीं रहा माल। पब्लिक क्या ज़्यादा डिमांड कर रही है? पब्लिक तो बोले जो है वो लाओ, लेकिन है नहीं स्टॉक कोई भी कंपनी का, ब्रांडेड तो आता नहीं है, बोले कोई भी चलेगा, अवेलेबल कुछ भी नहीं है, मास्क भी नहीं है और वो भी नहीं है, सैनिटाइजर भी नहीं है। जनता भी परेशान है क्योंकि सैनिटाइजर या मास्क उन्हें मिल नहीं रहे हैं। वहीं भारत में 175 मरीजों की कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 3 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। वहीं आज PM नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना वायरस पर देश को संदेश करीब 8 बजे रात को देंगे। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।